क्या क्या करते होली के दिन? दारू पीते हैं। लड़कियां भी छेड़ते हो? लड़कियां मिल गई तो छेड़ देते हैं। होली के दिन मौका मिल जाता है? हाँ। क्या बहाना मिलता है? बहाना क्या मिलता, मतलब जैसे गाड़ी से घूमते हैं हम लोग दारू पी के, कोई मिल गए तो लाइन मार दिया। बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ अटपटी, कुछ चटपटी, कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ, नारीवादी चश्मे के साथ। दोस्तों इस बार मेरे शो का मुद्दा है होली। एक फेमस गाना था होली का, बहुत सुनती थी मैं बचपन से, बुरा ना मानो होली है, तो ये जो गाना था ना, वो उससे, उस बहाने से लोग इस बोल को बोल बोल के, इस शब्द को बोल बोल के, और लड़कियों को जब रंग लगाते हैं, हाथ मतलब नज़र कहीं होगी, हाथ कहीं होगा, रंग लगा रहे हैं कहीं पे, छेड़छाड़ कर देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात थी। मतलब लड़कियों होली के बहाने से जिस तरह से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो ये एक बहाना मिल जाता है होली में। और लड़के होली के दिन लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं, हर चौराहे चौराहे पे लड़कों का झुंड होता है, और शराब पिए होते हैं, भांग खाए हुए होते हैं, तो उस तरह से लड़कियों के अंदर जो डर बैठ जाता है बाहर निकलने में। तो एक आज़ादी का त्यौहार है, लड़की लड़कों को खुल के मनाना चाहिए, लेकिन लड़कियाँ आज़ादी से इस त्यौहार को नहीं मना पाती। जैसे होली का त्यौहार होता है तो उस दिन कहीं ना कहीं एक मन में लड़कियों के डर बना रहता है कि कहीं कोई छेड़ ना दे, या लोग बाहर बैठे हैं शराब पी के या गांजा पी के उधम मचा रहे हैं, तो निकलने में भी किसी तरह का कोई डर होता है? हाँ होता है, कहेंगे घर से बाहर ना निकलो, यहाँ लफड़ाई हो रही है, यहाँ नंगे लुच्चे बैठे हैं, ये सब डर रहता है। पहले ये समझ नहीं थी हम लोगों के ज़माने में, आज लोग मतलब टीवी देखते हैं या फ़ोन चलाते हैं तो उनको हर समझ है। हमारे यहाँ क्या होता था, पहले टीवी तो थी नहीं, पहले फ़ोन नहीं थे, तो हमें इतनी समझ नहीं थी कि यार देश में होता क्या है, क्या अच्छा होता है, क्या ख़राब होता है। अब हर चीज़ की समझ है, तो अब सबके साथ होली मनाते हैं, चाहे लड़के आए, चाहे लड़कियाँ आए, चाहे औरतें आए, हम सबके साथ होली मनाते हैं। मगर हमें इस चीज़ का डर नहीं है कि हमें कोई छेड़ेगा। क्यों छेड़ेगा, हम भी छेड़ेंगे उनको, इसलिए हम भी छेड़ेंगे ना उनको, भाई वो हमें छेड़ेंगे, हम उनको छेड़ेंगे, छेड़ो कहाँ तक छेड़ोगे। अब तो हम डट के सामना करते हैं लोगों का। किस तरह की छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों के साथ? हाँ, लड़कियों के साथ तो अकेली लड़कियाँ, क्या है कि इसमें जब ये ऐसे अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व जिनको कह सकते हैं, वो ग्रुप में चलते हैं और ग्रुप में छेड़छाड़ करते हैं और नशे की हालत में रहते हैं, तो सामने वाले मतलब लड़कियाँ विरोध भी कर नहीं पाती जल्दी, क्योंकि उनसे डरते हैं लोग। तो कभी उनकी हाथ पकड़ लेना, उन्हें खींच लेना, और फिर ये कह देना कि वो तो हम रंग लगा रहे थे, तो छेड़छाड़ तो हुई उनके साथ। क्योंकि देखिए, लड़कियां छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी व्यक्ति तुरंत जान जाता है कि उसके हाथ की पकड़ कैसी है, वो छेड़छाड़ के लिए की गई है कि रंग लगाने के लिए की गई, तो तुरंत समझ में आ जाता है कि वो छेड़छाड़ ही है। तो इस तरह से तमाम छेड़छाड़ होते हैं, उनके फेस को रगड़ देना, उनके किसी भी अंग को टच कर लेना इस बहाने कि हम होली खेल रहे हैं, तो ये सब तरह की छेड़छाड़ होती हैं जो दिखती भी कम है और हो भी जाती हैं। होली का त्यौहार कैसा लगता है? मुझको बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है इसमें? रंग खेलना, दोस्तों को लगाना, उनसे मिलना, उनके साथ पार्टी करना अच्छा लगता है। ये जो होली के दिन अब लड़कियां निकलती हैं, तो उनको भी छेड़ देते हो? वो तो है, छेड़ते हैं, छेड़ते हो, और खाली रंग लगाते हैं चेहरे में बस, उसके अलावा आँख मार देते हो? आँख वाँख नहीं, मुँह से बोलते हैं जो बोलना होता है, कमेंट करते हो बस। किस तरह का, किस तरह का, हैप्पी होली है, आप अच्छी लगती हो, ये है वो है, बस ऐसा ही। वो तो मतलब मौका मिल जाता है। अरे हाँ, बस वही कह देंगे कि होली है भाई, बस बस हाँ। घर वाले नहीं निकलने देते होली के दिन, सब पी पा के घूमते अच्छा। हैं, तो कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए नहीं निकलते। कोई भी पता होगा कहीं लड़की ने छेड़ दे जाके। हाँ, अब घर वाले सब जानते हैं। अब हम लोग मोहल्ले में जो रहते हैं, हम लोग मनाते, हम भेदभाव नहीं मानते हैं, हिंदू मुस्लिम, और खाना भी बनता है, गुजिया पपड़िया मुंगौड़ा सब कोई खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते भी हैं, गले भी मिलते हैं। और जो इसी होली के बहाने से जो ये होली जलाई जाती है, इसी के बहाने से, रंग डालने के बहाने से, और लड़कियों को भी छेड़ देते हैं कि हमारी साली हैं, हमारी कोई भेदभाव नहीं मानते हैं, और भौजाई के बहाने उनकी सोच कुछ दूसरी रहती है, वो करते कुछ दूसरा हैं, और ये रहते कि हमारी भौजाई हैं, और मोहल्ले की जो लड़कियाँ हुई उनसे देखने की लड़कियाँ आ रही हैं, तो यही होली के बहाने से उनके रंग लगाएंगे, अभी लगाएंगे, बदतमीजी करेंगे, छेड़खानी करेंगे। लब वो संकोच में नहीं बोलती हैं, इसलिए कि वो पिए खाए रहते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, इसलिए लड़कियों को भी डर लगता है, औरतें भी, कोई निकलती हैं कोई निकलती, ज़्यादातर उस दिन कम निकलती हैं, पाबंदी रहती है।
अपने आपस में खेलते हैं, होली मनाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में वीडियो शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें कि हमें पता चले कि आपको मेरा ये शो कैसा लगा। अगर आपके पास भी ये है ऐसा कोई मुद्दा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में ज़रूर से ज़रूर शामिल करूंगी। तो चलती हूँ मैं, फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ। हैप्पी होली। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।